प्रो कबड्डी सीजन 9 का सेमीफाइनल एक जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल बहुत ही मजेदार होने वाला है, बिकॉज जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम टेबल टॉपर है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है, टीम भी बहुत ही खतरनाक है। एंड वहीं पे बेंगलुरु बुल्स की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस को 32 पॉइंट से हरा के सेमीफाइनल एक में आ चुकी है। तो बहुत ही मजेदार कॉन्टेस्ट होने वाला है। एंड इस मुकाबले में दोनों टीम्स की क्या स्टार्टिंग सेवन हो सकती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स को कंपैरिजन करेंगे, कौन सा प्लेयर्स इस मुकाबले में वॉच आउट हो सकता है एंड मेरी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम सेमीफाइनल वन जीत सकती है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। एंड इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको सेमीफाइनल वन फ्री में मोबाइल में लाइव देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सेमीफाइनल के मैचेस फ्री में लाइव देख सकते हो, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते सबसे पहले स्टार्टिंग सेवन से, तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन से स्टार्ट करते, तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग सेवन में टॉप थ्री में सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे अर्जुन देसवाल, देन यहाँ पे वी अजीत कुमार, राहुल चौधरी, ये तीन टॉप थ्री रहने वाले। अब यहाँ पे कवर डिफेंडर्स पे नजर डाल लेते, तो यहाँ पे राइट कवर पे सुनील कुमार एंड लेफ्ट कवर पे रेजा मिर्भा गेरी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते कॉर्नर डिफेंडर्स की, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे सहुल कुमार देखने को मिल जाएंगे एंड वहीं पे लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी देखने को मिल जाएंगे। ये जयपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है सेमीफाइनल एक के लिए। एंड अब यहाँ पे बढ़ते हैं बेंगलुरु बुल्स के, तो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएंगे टॉप थ्री में विकास कंडोला, भरत हुड्डा एंड नीरज नरवाल। अब यहाँ पे बात कर लेते कवर डिफेंडर्स के, तो यहाँ पे हमें राइट कवर पे पोन प्रतिबंध सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे एंड वहीं पे लेफ्ट कवर पे महेंद्र सिंह देखने को मिल जाएंगे। एंड बात की जाए कॉर्नर डिफेंडर्स की, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे हमें सौरभ नंदल देखने को मिल जाएंगे एंड वहीं पे लेफ्ट कॉर्नर पे अमन देखने को मिल जाएंगे। ये बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन जो यहाँ पे सेमीफाइनल एक के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने तो आपको फिल्टर कबड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लेटेस्ट कबड्डी न्यूज सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, तो मैक्सर इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते जयपुर पिंक पैंथर्स एंड बेंगलुरु बुल्स का क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे दोनों टीम्स के बीच में अब तक टोटल 17 बार मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम 8 बार जीती है एंड वहीं पे बेंगलुरु बुल्स की टीम 8 बार जीती है एंड एक बार जो मैच है वो यहाँ पे टाई हुआ है। तो हेड टू हेड ओवरऑल बराबरी का चल रहा है। एंड सीजन 9 की बात की जाए तो दोनों टीम्स का दो बार आमना सामना हो चुका है। जब पहली बार आमना सामना हुआ था तो जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम 6 पॉइंट से हारी थी, बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 6 पॉइंट से हरा दिया था। एंड दूसरी बार जब आमना सामना दोनों टीम्स के बीच में हुआ था तो वो मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने बेंगलुरु बुल्स को 45-25 से हराया था। तो सीजन 9 में भी जो मुकाबला है वो यहाँ पे बराबरी का चल रहा है, तो हेड टू हेड से बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी टीम का पलड़ा इस बार भारी हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप थ्री को कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से टॉप थ्री में देखने को मिल जाएंगे अर्जुन देसवाल, वी अजीत कुमार एंड राहुल चौधरी। अर्जुन देसवाल ने 22 मैचेस में 286 रेड पॉइंट स्कोर किए, वी अजीत कुमार ने 19 मैचेस में 81 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड वहीं पर राहुल चौधरी ने 20 मैचेस में 69 रेड पॉइंट स्कोर किया। एंड बेंगलुरु बुल्स की टॉप थ्री पे नजर डाले तो यहाँ पे हमें विकास कंडोला, भरत हुड्डा एंड नीरज नरवाल देखने को मिल जाएंगे। विकास कंडोला ने 23 मैचेस में 130 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड वहीं पे भरत हुड्डा ने 22 मैचेस में 272 रेड पॉइंट स्कोर किया है एंड नीरज नरवाल ने 23 मैचेस में 90 रेड पॉइंट स्कोर किए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन देसवाल ही जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से एक ऐसे इनफॉर्म रेडर है जो परफॉर्म कर रहे हैं एंड वहीं पे वी अजीत कुमार एंड राहुल चौधरी का कुछ अता पता नहीं है कि परफॉर्म कर भी सकते हैं एंड परफॉर्म नहीं भी कर सकते हैं। एंड बेंगलुरु बुल्स की पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पे विकास कंडोला पिछले एलिमिनेटर मुकाबले में एक भी बार आउट नहीं हुए एंड वहीं पे यहाँ पे सुपर 10 भी स्कोर किया, भरत हुड्डा ने भी सुपर 10 स्कोर किया है एंड नीरज नरवाल भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट साबित हो सकते इस मुकाबले में। तो टॉप थ्री की बात की जाए तो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स का टॉप थ्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
जयपुर पिंक पैंथर्स से कंपेयर किया जाए। एंड कवर डिफेंडर्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पे हमें जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से राइट कवर पे सुनील कुमार एंड लेफ्ट कवर पे रिजा मिर्बा गिरी देखने को मिल जाएंगे। सुनील कुमार ने 21 मैचेस में 58 टैकल पॉइंट स्कोर किया है एंड वहीं पे रिजा मिर्बा गिरी ने 14 मैचेस में 30 टैकल पॉइंट स्कोर किए है। एंड बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की, यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के कवर डिफेंडर्स में पोन भरतीवन सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे एंड महेंद्र सिंह देखने को मिल जाएंगे। पोन भरतीवन सुब्रमण्यम ने 3 मैचेस में 11 टैकल पॉइंट स्कोर किया है एंड वहीं पे महेंद्र सिंह ने 22 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के जो कवर डिफेंडर्स है वो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुनील कुमार अच्छे फॉर्म में, रेजा मिर्बा गिरी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो यहाँ पे लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिफेंडर है, लेकिन पोन भरतीवन की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले मैच में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, हाईफाई जड़ा था, लेकिन इस मुकाबले में भी अच्छा खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड इस हिसाब से एक्सपीरियंस के साथ मैं जाना चाहूंगा एंड कवर डिफेंडर्स यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स का ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। एंड बात की जाए कॉर्नर डिफेंडर्स की, तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के कॉर्नर डिफेंडर्स में राइट कॉर्नर पे सहुल कुमार देखने को मिल जाएंगे एंड वहीं पे लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी देखने को मिल जाएंगे। सहुल कुमार ने 22 मैचेस में 43 टैकल पॉइंट स्कोर किया एंड वहीं पे अंकुश राठी ने 22 मैचेस में 81 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। एंड बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की, यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के कॉर्नर डिफेंडर्स में राइट कॉर्नर पे सौरभ नंदल देखने को मिल जाएंगे एंड वहीं पे अमन देखने को मिल जाएंगे। सौरभ नंदल ने 23 मैचेस में 68 टैकल पॉइंट स्कोर किया एंड अमन ने 23 मैचेस में 56 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। यहाँ पे कॉर्नर डिफेंडर्स में दोनों ही टीम्स का कॉर्नर डिफेंडर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे बेंगलोर के पास सौरभ नंदल अमन है एंड वहीं पे जयपुर के पास अंकुश राठी एंड सहुल कुमार है। तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी टीम का कॉर्नर डिफेंस ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अब यहाँ पे अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो यहाँ पे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है दोनों टीम्स की तरफ से, कौन सा प्लेयर है जिन पे सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से मुझे लगता है कि अर्जुन देसवाल है जिन पे सबकी नजरें रहेगी। 22 मैचेस में 286 रेट पॉइंट स्कोर किया है 13 की एवरेज के साथ, जिसमें 17 सुपर 10 भी शामिल है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं एंड जयपुर की टीम की तरफ से ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की, तो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए विकास कंडोला रहने वाले। विकास कंडोला ने 23 मैचेस में 130 रेट पॉइंट स्कोर किया है 5 की एवरेज के साथ, जिसमें 4 सुपर 10 भी शामिल है एंड जरूर अभी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे विकास कंडोला ने दिखाया था। यहाँ पे सुपर 10 भी चढ़ा था, नॉट आउट भी थे, 100% नॉट आउट थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है बेंगलुरु बुल्स के लिए एंड बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन राउंड की तरफ बढ़ते, आई नो आप ऐसे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इसी के लिए एक्साइटेड हो गए, बिकॉज जो टीम को मैं प्रिडिक्ट कर रहा वो टीम मुकाबला हारी है एलिमिनेटर में, तो ऐसा ही हुआ। दोनों टीम्स को जो मैं प्रिडिक्ट किया था वो यहाँ पे एलिमिनेटर का मुकाबला हार गई है। तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम जीत सकती है। बेंगलुरु बुल्स के फैंस यहाँ पे कुछ हो गए होगा, बिकॉज यहाँ पे मे बी जयपुर की टीम हारे, बिकॉज मैंने जयपुर को प्रेडिक्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रो कबड्डी ऐसे ही होता है, जो टीम को सपोर्ट करे या फिर जो टीम को ना सपोर्ट करे कुछ भी हो सकता है, कोई से भी मुकाबला जीत सकती है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन से भी मुकाबला जीत सकती है, कौन कौन मुझसे सहमत है एंड कौन कौन बेंगलुरु बुल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छे लगे कि मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।